राम राम भाई सारे आने हैं। नहीं, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ अंकित की। आई एम बिग फैन ऑफ हिज, और जो वो काम कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, तो बस उसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। सो हुआ क्या कि मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे, बहुत सारे वीडियोस देखे, जहाँ पे लोगों ने मेंशन किया है कि वो 75 डेज हार्ड चैलेंज जो अंकित ने शुरू किया था वो नहीं कर पाया। अब अंकित उसको 2 बार कर चुका है बैक टू बैक, अभी 1-2 दिन पहले शायद 150 दिन पूरे किए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट है कि वो शुरू तो कर दे रहे, 2-4-5 दिन कर दे रहे, लेकिन उसके बाद वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। तो हम आज यही सीखेंगे, हम 2 चीज सीखेंगे। एक तो वो क्यों नहीं कर पा रहे, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप सच में सोच रहे हो 75 डेज तक कोई वर्कआउट या कोई हैबिट लेके जाने का, तो वो आप कैसे कर पाओगे। तो प्लीज एंड तक देखिएगा और आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी, एंड आई एम श्योर आप बहुत सेटिस्फाइड होगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, कोई बुलशिट नहीं, कोई बकवास, कोई बकचोदी नहीं। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ अबाउट अंकित जर्नी। ठीक है, पहले YouTube की बात कर लेते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 2013 से अंकित का चैनल एक्टिव है और कुछ 650 वीडियोज वो डाल चुका है अपने चैनल पे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सक्सेस मिली है ये ओवरनाइट सक्सेस है, ऐसा नहीं है। ये 10 साल की ग्राइंड है, ये 10 साल की मेहनत है जो कि वो YouTube पे करते आ रहे हैं, और उसके बाद उनको अब जाके वो फेम मिल रहा है जो वो ट्रूली डिजर्व करता है बंदा। अगर आप उसका इंस्टाग्राम अकाउंट उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि इतनी सारी वीडियोस अंकित ने डाल रखी है, इतनी सारी वीडियोस डाल रखी है कि आप अगर स्क्रॉल करते रहोगे तो आप शायद करते ही रह जाओगे, राइट। तो उसमें भी हमको ये नहीं देखना है कि ये बंदा जो है इसको ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, 75 दिन की मेहनत करी, उसके बाद अब वो आज के टाइम पे सारे टॉक शोज, सारे बड़े बड़े पॉडकास्ट पे दिखाई दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब अंकित की फिटनेस जर्नी की बात करते हैं। अगर आप अंकित का चैनल उठा कर देखोगे यूट्यूब चैनल, और आप उसमें सबसे पुरानी वीडियोज में जाओ, तो आपको दिखेगा कि वो बहुत एक यंग एज से ही इज इनटू फिटनेस। बहुत ही यंग एज से वो कुश्ती करते हुए आ रहे हैं, वर्कआउट्स उनका डेली रूटीन का हिस्सा है। उसके अलावा आई थिंक उन्होंने कम्पीट भी किया है, लेकिन किसी इंजरी की वजह, शोल्डर इंजरी की वजह से ही डिड नॉट कंटिन्यू इट, और उसके बाद जो प्रोफेशनल कॉम्पिटिशन थे वो छोड़ के नाउ ही इज इनटू द इन्फ्लुएंसिंग और प्रॉपर जो ट्रेनिंग वगैरह की वीडियो चलती है वो। कि अगर मैं किसी एक नॉर्मल इंसान से कहूँ कि तू भाई 10 पुशअप रोज लगा और तेरे को 20 दिन तक 10 पुशअप लगाने, लेट से 20 दिन कह लेता हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि बंदा रोज 10 दिन तक 20 पुशअप भी लगा पाए, वो हैबिट छूट जाएगी। क्यों छूट जाएगी? क्योंकि ये जो फिटनेस वाला जो कीड़ा है ना, या जो भी कोई हैबिट होती है उसका एक कीड़ा होता है, वो कीड़ा हमारे अंदर इंस्टॉल नहीं है। अगर आप मेरे को बोलोगे कि मैं 10 दिन तक 50-50 पुशअप करूँ, भले ही मैं कर लूंगा, 1 दिन मैंने कर लिए, 2 दिन मैंने कर लिए, लेकिन उन 10 दिन के बीच में ना कोई दिन ऐसा आएगा जहां पे मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे दोनों चीज आ जाती हैं। पहली चीज तो ये कि जो लोग ये चैलेंज ले रहे हैं वो क्यों नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, क्योंकि जो फिटनेस की चीज है ना वो उन्होंने अपने अंदर एज अ हैबिट इंस्टॉल ही नहीं करी है। ठीक है, और आप कैसे कर पाओगे, इसी स्टेटमेंट का 22 वर्षा, आपको वो हैबिट अपने अंदर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सो एक बहुत ही पॉपुलर बुक है एटॉमिक हैबिट्स, ये यहाँ पे आपको शायद ये रिवर्स दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कैमरे से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो इस बुक में जो ऑथर है जेम्स क्लियर, वो बता रहा है कि कैसे छोटी छोटी हैबिट्स को फॉर्म करके, अगर मान लो किसी को एक फिटनेस हैबिट अपने अंदर इंस्टॉल करनी है, सो उसको एवरीडे उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। और कहा यह चाहता है कि आप कोई भी चीज 21 दिन तक लगातार करोगे तो वो आपके अंदर एज अ हैबिट इंस्टॉल हो जाती है। उसके बाद जिस दिन आप वो चीज नहीं करोगे ना, उस दिन आपको थोड़ी सी खुजली होने लगती है कि यार आज ना ये मिस हो गया मेरे से। ठीक है, जैसे कि हम लोग ब्रश, रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, अब किसी दिन अगर जैसे संडे होता है, सैटरडे होता है, थोड़े से लेट हो जाए तो बाथरूम की तरफ अपने आप ही आदमी मुड़ जाता है और उसको पता है कि वहां जाके मुझे क्या करना है, मेरे को पेस्ट उठाना है, ब्रश करना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको अचीव कैसे करना है। अगर आपको 75 डेज हार्ड चैलेंज या कोई भी प्रोग्राम आपको फॉलो करना है, या कोई भी हैबिट आपको इंस्टॉल करनी है, या आपको 25 दिन तक लेट से आपको शुगर नहीं खाना, या वर्कआउट करना है, या रनिंग पे जाना है, कुछ भी करना है, तो 75 दिन को आप शुरू में टारगेट मत करो। ठीक है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप मान लो आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो ऐसा नहीं है कि आप झोला उठा के सबसे पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ जाओ, नहीं, आपको उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए छोटे छोटे माउंटेन्स को कॉन्कर करना पड़ेगा। सो अगर मान लो 75 दिन का चैलेंज है, सो आपको क्या करना है, आपको उसको ब्रेक करना है, 7 दिन, फिर 14 दिन, फिर 21 दिन। अगर आप इस तरह से करोगे ना, जब तक आप बुधवार बृहस्पतिवार तक आओगे तो आप देखोगे यार 7 दिन का चैलेंज तो खत्म ही होने वाला है, सिर्फ 2 दिन रह गए, तो मैं अपनी स्ट्रीक क्यों तोड़ूं।
मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ। ये बात आपको लड़कियों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। उनकी स्नैपचैट की स्ट्रीक देख लेना, 6-6 साल से वो अपने फ्रेंड्स लोग को मैसेज करते आ रहे। लेकिन कोई भी बड़ी चीज करने से पहले, किसी भी बड़े गोल पर पहुंचने से पहले, आपको उसको छोटे 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 पार्ट्स में ब्रेक करना है। आप एक एक करके करते जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपने 7 दिन कर लिए, कब 14 दिन कर लिए, कब 21 दिन कर लिए। सो वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, राधर देन 75 दिन को टारगेट करना। कोई भी चीज 75 दिन तक करने के लिए अंकित पिछले 20-25 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, राइट। जब वो छोटा था तभी से वो पूरी ये स्पाटे वगैरह जो भी एक्सरसाइजेज वो बताते वो सब उसके उसके मसल सिस्टम में है, उसकी मसल मेमोरी में है। तो जब तक सुबह उठ के वो दौड़ेगा नहीं ना, तब तक उसको चैन नहीं आएगा पूरे दिन, यार मैंने आज ये काम नहीं किया। और हम क्या करते हैं, हम 9 to 5 करने वाले लोग, किसी दिन हमने इंस्टाग्राम पे फ्राइडे को रील देख ली कि यार ये 75 दिन वाला करना है, हमने संडे से वो शुरू कर दिया। अब मंडे को बहुत काम था, मंडे हमने नहीं किया, ट्यूसडे को लेट आया नहीं किया, वेडनेसडे को दोस्त की पार्टी थी वहां पे जाके शराब पी ली तो सुबह हम उठ नहीं पाए क्योंकि हैंगओवर था। तो ऐसे नहीं, जो भी आपका काम है, जो भी आप अगर 75 दिन करना चाह रहे हो तो आपको उसको एज अ हैबिट फॉर्म करना है धीरे धीरे। पहले 1 दिन करो, फिर 2 दिन करो, फिर 4 दिन करो, फिर 6 दिन करो, 7, 14, 28, जैसे भी आपको ठीक लगे, अपना गणित बिठाओ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने आज इस वीडियो से कुछ सीखा ही होगा। और अगर आप भी 75 डेज करने का सोच रहे हैं, मे बी हमारी इन्फॉर्मेशन कुछ आपके काम आए। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, या आपका अगर कोई और भी पर्सपेक्टिव है तो हमें बहुत खुशी होगी कुछ नया सीखने के लिए। नमस्कार।